बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आप सभी को व्यापार में सफलता के लिए उपाय बताऊंगा। अगर आप सभी कोई नया व्यापार चालू करने जा रहे हैं या आपके व्यापार में हानि हो रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आप कोई दुकान या व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो मिट्टी के चार कलश में काले तिल, मूंग, जौ तथा पीली सरसों भरकर उसे अपनी दुकान में रख लें। इससे आपकी दुकान में ग्राहकों का आगमन बड़ी ही सरलता से होगा। और फिर आपको इन कलशों को एक साल तक रखना है तथा आपको अगले वर्ष इन्हीं कलशों को नदी में प्रवाहित करके नए कलशों से पुनः नई सामग्री भरकर पुनः अपनी दुकान पर रख लेना है। इससे आपकी दुकान में प्रगति बहुत जल्दी होगी। और जब आप दुकान अथवा व्यवसाय के उद्घाटन करें उस समय चांदी की एक कटोरी में धनिया डालकर उस चांदी की कटोरी को बिहारी जी के चित्रपट के सामने रख दें। इस कटोरी को पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें और दुकान खोलते समय 5 अगरबत्तियों से इसका पूजन करें। इससे आपके दुकान और व्यवसाय में उन्नति होती है। और आपको उद्घाटन के समय एक काम अवश्य करना है, आपको दुकान में स्थापित बांके बिहारी जी के चित्रपट के सामने एक बार कुंज बिहारी अष्टक का पाठ ज़रूर करना है। अगर आपको कुंज बिहारी अष्टक नहीं आता है तो आप हमारे YouTube चैनल सलोने बांके बिहारी पर सर्च कर सकते हैं। हमने कुंज बिहारी अष्टक का एक वीडियो डाला है, आप उसको भी अपनी दुकान में सुने, उससे भी आपकी दुकान में बिक्री ज़रूर बढ़ेगी। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके व्यवसाय में हानि हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही हो तो वट वृक्ष की जड़ लाकर उसे रेशमी धागे में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। अगर आपको अपने व्यवसाय में शीघ्र ही लाभ चाहिए तो रेशमी धागे को लाल चंदन में रंग दें और उसे दुकान पर लटका दें। इससे आपको लाभ शीघ्र ही प्राप्त होगा। और साथ में प्रत्येक शुक्रवार को निर्धनों में चना एवं गुड़ बांटें, इससे आपके व्यवसाय में काफ़ी लाभ पहुंचेगा। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में उपाय बताने जा रहा हूँ जो किसी भी व्यापार को चालू करते हैं लेकिन उसमें उन्हें हानि ही पहुँचती है। इनके लिए उपाय ये है कि बुधवार के दिन व्यापार करने वाले व्यक्ति के ऊपर से 7 लड्डू उतार कर रख लें और दूसरे दिन परिवार का कोई व्यक्ति सूरज निकलने से पहले जब तारे दिखाई दे रहे हों, यानी लगभग 4 से 5 बजे के समय में, उस लड्डू को सफ़ेद गाय को खिलाकर घर लौटाएं। लेकिन ध्यान रखें कि लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें, इससे व्यापार करने वाले व्यक्ति के व्यवसाय में वृद्धि होती है। और आप लोग एक उपाय और कर सकते हैं, आप कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर उस राख को गंडे के रूप में व्यापार करने वाले व्यक्ति के गले में डाल दें। इससे व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ जाता है। अगर आपको हमारे ये उपाय अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय बिहारी जी की।